गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनी शॉर्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ मुंबई के दादर में, जिसे चैत्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चैत्य भूमि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का समाधि स्थली और बौद्ध धर्म के लोगों का अनुयायी का केंद्र भी इसे कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का निधन दिल्ली में उनके निवास स्थान को 6 दिसंबर 1956 में हुआ। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। चैत्य भूमि में 6 दिसंबर 1956 को भदत आनंद कोश्यालन ने बौद्ध धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार से पहले उन्हें साक्षी रखकर 20 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये दीक्षा उन्हें भदंत आनंद कोश्यालन ने दिलवाई थी। चैत्य भूमि में हर साल 6 और 7 दिसंबर को बहुत ही बड़ा मेला लगता है और वहाँ पे अम्बेडकर जी के बहुत भक्तगण लाखों सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे आते हैं। चैत्य भूमि दादर में शिवाजी पार्क के बिल्कुल सामने स्थित है और इसके सामने ही सामने आप बांद्रा वर्ली लिंक भी देख सकते हैं और समुद्र का नज़ारा भी आप वहाँ पे उठा सकते हैं। और हर दिन यहाँ पे काफ़ी लोग चैत्य भूमि पे अम्बेडकर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा पवित्र है।